आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस की राइवलरी के बारे में। ये राइवलरी स्टार्ट होती है समर स्लैम 2021 में, जहां पर ब्रॉक लेसनर ने एकदम धमाकेदार रिटर्न दिखाया था हमें समर स्लैम में। यहां पर रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना लड़ते हैं, जिसे जीत लेते हैं रोमन रेंस। उसके बाद एंड में ब्रॉक लेसनर यहां पर आते हैं, सबको शॉक कर देते हैं और फेस टू फेस हो जाते हैं रोमन रेंस से। और यहाँ पर पॉल हेमन भी शॉक हो जाते हैं। हमें ऐसा लगा था कि ये समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर अटैक करेंगे रोमन रेंस पर, ऐसा नहीं हुआ। बस फेस टू फेस होने के बाद ब्रॉक लेसनर ने हमला कर दिया जॉन सीना पर। उसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट दिखाई दिया स्मैकडाउन में, जहाँ पर दोनों फेस टू फेस हुए थे और एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हुआ। और उसके बाद लड़े ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस क्राउन जेवल के मैच में, जिसे जीत लिया रोमन रेंस ने पॉल हेमन की मदद से। और उसके बाद हमें दोनों भी दिखाई नहीं दिए। फिर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ब्रॉक लेसनर एकदम धमाकेदार रिटर्न दिखाते थे हमें, और वहां पर ये रिटर्न में ब्रॉक लेसनर बोलते हैं कि मैं रोमन रेंस से रेसलमेनिया में लड़ूंगा। उसके बाद बॉबी लैशली इंटरप्ट करते हैं। फिर बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच रॉयल रंबल में होता है, जहां पर रोमन रेंस एट द एंड इंटरप्ट करके ब्रॉक लेसनर पर स्पीयर लगाते हैं और बेल्ट से मारकर बॉबी लैशली को इस मैच को जिता देते हैं। इस बात का गुस्सा रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का यहाँ पर बहुत आगे ही बढ़ जाता है। फिर ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल 2020 में एंट्री लेते हैं 30 मैन, और वहाँ पर रॉयल रंबल जीत जाते हैं। फिर बन जाते हैं रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच। फिर ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चेंबर में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। उसके बाद होता है रेसलमेनिया में चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच। तो रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस काफ़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस बताते हैं। यहाँ पर दोनों भी एटलीस्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन एट द एंड यहाँ पर एक लो ब्लो लगाकर रोमन रेंस इस मैच को जीत जाते हैं और बन जाते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो आपको ये मैच कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। हम ऐसे ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।